14 की बहाली है और इसमें 13,120 सीट था और इसमें 11,329 को नियुक्ति दिया गया और बाकी सीट बचा करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि हम लोग सारी प्रक्रिया संपूर्ण कर लिए हैं। पीटी पास किए, मेंस पास किए, टाइपिंग पास किए, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद करने के लिए दो दिन के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, ये बारिश में भींगते हुए आए हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी को समझते नहीं, हमारी बातों को सुनते नहीं है, सीधे अगली बहाली की बात करने लगते हैं कि हम आप लोग को डिपार्टमेंट में बात करते हैं। अभी जो जमा खान मंत्री है, संदीप सौरभ है, विभा देवी है, अशोक कुमार है, मुरारी कुमार है, डॉक्टर प्रेम कुमार, अभी मांग पूरा नहीं हुआ। हाँ, कोई मांग नहीं, 70 विधायक का लेटर हम लोग जो चारों तरफ पहुँचा दिए, सेक्रेटरियट से लेकर यहाँ तक हम लोग राष्ट्रपति तक इस सबको फॉर्मेट को भेजे हुए हैं, फिर भी हम लोग का काम नहीं हुआ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे है, जहाँ पर BSSC के 1717 अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए हैं। बता दें आपको कि 2014 की बहाली है और अभी तक इन अभ्यर्थियों को बहाली में शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत रहते हैं, लगातार बहाली की मांग करते हैं, सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। कई वर्षों से ये अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इनकी बहाली से कोई मतलब नहीं है। कुछ अभ्यर्थी सीधा सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई वर्षों से आप लोगों को बहाल नहीं किया जा रहा है, सरकार कई दावा करती है, क्या कहिएगा? देखिए, ये मामला है 2014 की, जो जिस समय जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री थे, 13,120 सीट निकाले हुए थे थर्ड ग्रेड का, जिसमें कर्मचारी ग्राम सेवक का पोस्ट होता है। जी बताइए, क्या बोल रहे थे? हाँ, कर्मचारी ग्राम सेवक का पोस्ट होता है, ये बहाली निकला, इसका पहला एग्जाम हुआ 16 में, जिसमें करप्शन हो गया, जिसके चलते अध्यक्ष और सचिव जेल गया, उसके बाद सचिव अध्यक्ष के जगह दूसरे सचिव अध्यक्ष आया, एग्जाम हुआ 17 में, पीटी हुआ, पीटी के लिए हम लोग आंदोलन किए तो पीटी हुआ, फिर पीटी के 2 साल बाद 3 साल बाद 20 में हम लोग आंदोलन किए तो मेंस का रिजल्ट आया, पीटी का रिजल्ट आया, और 21 में हम लोग का मेंस का एग्जाम हुआ, 22 में रिजल्ट आया, जिसमें हम लोग का टाइपिंग हुआ, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ, सारा प्रक्रिया करने के बाद 2022 में रिजल्ट देती है, जिसमें 13,120 को सीट के जगह 11,000 सीट को फाइनल करती है, लगभग 2,000 सीट को बैकलॉग में डाल देती है। हम लोग सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद हम लोग का वहाँ कोई कुछ नहीं मिल पाता, हम लोग को वहाँ नियुक्ति नहीं मिलता। आपने पोस्टर बैनर ले रखा है, इसमें आपने लिख रखा है 1778 छात्रों को नियुक्ति दो या फिर जेल दो, क्या है? जब हम लोग 1778 को बाहर किया BSSC आयोग, हम लोग BSSC आयोग के पास लगभग 20 बार आंदोलन किए, वहाँ जब भी हम लोग आंदोलन करते थे तो BSSC अध्यक्ष और सचिव बोलते थे कि आप लोग सेक्रेटरियट से यानी CM से लिखित में आवेदन दिवाइए, हम आप लोग का काम कर देंगे। तब हम लोग का इसमें हेल्प किए संदीप सौरभ बोले कि आप लोग का हेल्प करने के लिए विधायक सबसे लेटर लिखवाइए, जिससे मुख्यमंत्री पर दबाव बनेगा, आप लोग का काम हो जाएगा। उनके कहना अनुसार हम लोग देखिए यहाँ 70 विधायक का लेटर लिखवाए हुए हैं, जिसमें अभी जो जमा खान मंत्री है, संदीप सौरभ है, विभा देवी है, अशोक कुमार है, मुरारी कुमार है, डॉक्टर प्रेम कुमार, अभी मांग पूरा नहीं हुआ। हाँ, कोई मांग नहीं, 70 विधायक का लेटर हम लोग जो चारों तरफ पहुँचा दिए, सेक्रेटरियट से लेकर यहाँ तक हम लोग राष्ट्रपति तक इस सबको फॉर्मेट को भेजे हुए हैं, फिर भी हम लोग का काम नहीं हुआ। बाल पकड़ाए जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी का उम्मीद रखते हैं बिहार सरकार से? उम्मीद है तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं बिहार सरकार से, क्योंकि 2014 की बहाली है और इसमें 13,120 सीट था और इसमें 11,329 को नियुक्ति दिया गया और बाकी सीट बचा करके हम लोगों को बाहर कर दिया गया, जबकि हम लोग सारी प्रक्रिया संपूर्ण कर लिए हैं, पीटी पास किए, मेंस पास किए, टाइपिंग पास किए, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, फिर भी सीट रख करके हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। तब तक आंदोलन करिए? आंदोलन कब तक? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान भी यही कहता है। तो युवा की सरकार कहते हैं अपने युवा, हम लोग 6-7 बार गए हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी को समझते नहीं, हमारी बातों को सुनते नहीं है, सीधे अगली बहाली की बात करने लगते हैं कि हम आप लोग को डिपार्टमेंट में बात करते हैं। अरे, हम बोल रहे हैं हम समझते हैं इमली, समझ में नहीं आता है कि कैसे चलेगा ये सब। सीट खाली है, सीट इसमें 3,000 4,000 प्लस सीट खाली है, बस आप लोग 1778 है, तब नियुक्ति पत्र देने में गाड़ फट रहा है सबको। आयोग है, बहुत काम करता है, लगातार मांग करते रहेगा, मांग तो जारी रहेगा, जब तक नहीं पूर्ति होता तब तक मांग तो जारी रहेगा ही। क्या नाम है? उपेंद्र कुमार, नालंदा से आए। सरकार से यही कहते हैं 1778 को नियुक्ति दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद करने के लिए दो दिन के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, ये बारिश में
भींगते हुए आए हैं, इसलिए काउंसिलिंग भी करा लिए, सब चीज प्रक्रिया हो सका। और जब आयोग के पास जाते हैं तो बोले कि नीतीश कुमार बोल दिए, नीतीश कुमार बोल देंगे तब आपका काम हो जाएगा। जब नीतीश कुमार के पास जाते हैं तो बोले कि वो भी मांग नहीं, वो भी मांग पूरा नहीं करते। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कहाँ से आए? हम पटना सिटी से। हो रहा है तब भी प्रदर्शन कर, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी। ये 1778 का तब तक ये मांग पूरी रहेगा। ये सरकार और आयोग मिलकर हम लोग के साथ, युवाओं के साथ जानलेवा हमला कर रहा है, ये खेल खेल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार और युवा मिलकर युवा को रोजगार बढ़ाए, लेकिन हमें सरकार बोलती है कि 10 लाख बहाली देंगे, 20 लाख बहाली देंगे, या 1778 बहाली नहीं दे रही है। तो हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि 1778 नियुक्ति दीजिए। और ये जब समाधान यात्रा हुआ था तो उसमें हम लेटर दिए थे मुख्यमंत्री के हाथ में, तो बोलते हैं कि आप लोगों का काम होगा, जल्दी होगा, तब भी नहीं, तब पर भी नहीं हुआ। देखिए, तमाम बीएसएससी के 1778 अभ्यर्थी हैं, बहाली की मांग कर रहे हैं, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। 2014 की बहाली है और देखा जाए तो अभी तक इन लोगों को बहाल नहीं किया गया है। 11,000 कुछ अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया है, लेकिन 1778 अभ्यर्थियों को अलग कर दिया गया है। जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ये अभ्यर्थी मिलते हैं तब कहा जाता है कि आप लोगों की बहाली होगी, अगले बहाली में आप लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। जब तेजस्वी यादव विपक्ष बैठे थे, कहा करते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आप लोगों की बहाली करवा देंगे। इन अभ्यर्थियों ने पहले भी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, वर्तमान में भी इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इन लोगों ने मुलाकात किया था, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि आप लोगों का काम हो जाएगा। आखिर कब होगा, ये बड़ा सवाल है। 1778 अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं प्रदर्शन पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जारी है और बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।